नमस्कार, मैं गरांगी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ टेक्निया न्यूज में। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। शुक्रवार को देश के पुलिस बल, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को देश के सबसे बड़े वीरता पुरस्कारों से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 36 जवानों को उनके अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया। इसमें 10 जवानों को कीर्ति चक्र और 26 जवानों को शौर्य चक्र प्रदान किया गया। सम्मानित किए गए वीर सैनिकों में 7 सैनिकों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला है। अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र देश में शांति काल का दूसरा और शौर्य चक्र तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। ब्रिटेन में हुए इस बार के चुनावों में बड़ी संख्या में भारत वंशियों ने जीत का परचम लहराया है। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बार कुल 26 भारतवंशी चुनाव जीत कर पहुंचे हैं। इससे पहले 2019 के आम चुनाव में 15 भारतवंशी जीते थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे अधिक भारतवंशी लेबर पार्टी के टिकट पर जीते हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। लेबर पार्टी के नेता की स्टॉर्मर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। स्टॉर्मर ने भारतीय मूल के लोगों के साथ लेबर पार्टी के संबंधों में बदलाव की वकालत। ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी के उम्मीदवार कनिष्क नारायण ने वेल्स से जीत हासिल की है। उनकी जीत पर उनकी चचेरी बहन और फिल्म अभिनेत्री श्रेया नारायण ने उन्हें बधाई दी है। श्रेया नारायण भारतीय दर्शकों के लिए एक परिचित चेहरा है। उन्होंने बर्फी, रॉकस्टार, साहेब बीबी और गैंगस्टर, सुपर नानी जैसी फिल्मों में काम किया है। श्रेया ने अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। उन्होंने कहा है कि ये उनके पूरे परिवार के लिए एक बड़ा दिन है। यूके में सबसे कम उम्र के सांसद बने कनिष्क का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। बाद में उन्होंने ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की। श्रेय और कनिष्क नारायण के पारिवारिक रिश्ते देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़े हैं। दिल्ली NCR में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। रोजमर्रा की चीजों पर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सब्जियों ने फिर से रसोई का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली NCR में टमाटरों की कीमत फिर से आसमान छूती नजर आ रही है। मंडियों में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक बनी हुई है, जबकि आलू और प्याज भी करीब 50 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक के रेट पर पहुंच गए हैं। दिल्ली NCR में 5 राज्यों से आने वाली इंटरसिटी डीजल बसें बंद हो जाएंगी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। कमीशन ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आने वाली बसों के लिए निर्देश जारी किए हैं। इन सभी राज्यों से 508 बसें दिल्ली आती हैं। इन्हें साल के अंत तक की डेडलाइन दी गई है। इसका सबसे ज्यादा असर उत्तराखंड पर पड़ेगा, जहां से 379 बसें दिल्ली आती हैं। इसलिए इसे 2 चरणों में बसों का इलेक्ट्रिक या क्लीन फ्यूल में कन्वर्ट करने का समय दिया गया है। कमीशन का कहना है कि दिल्ली और NCR में दूसरे राज्यों से आने वाली बसों से काफी प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC की QR कोड टिकटिंग में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। DMRC डायनेमिक QR कोड लाने की पहल कर चुका है। डायनेमिक QR कोड आने के बाद स्मार्ट कार्ड की जरूरत नहीं रहेगी। डायनेमिक QR कोड स्मार्ट कार्ड की तरह ही काम करेगा, जिसे एक बार रिचार्ज करा लेने पर वो अलग अलग यात्राओं में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी हर यात्रा के लिए अलग अलग QR कोड आधारित टिकट लेना होता है। दिल्ली चिड़ियाघर का प्रबंधन बारिश के मौसम में अपने वन्य जीवों को बीमारियों से बचाने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति का इस्तेमाल कर रहा है। वन्य जीवों को बारिश से होने वाले संक्रमण से बचाने के लिए नीम के तेल, हल्दी और चूना के साथ विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली चिड़ियाघर जानवरों को कीट पतंगों और मच्छरों से बचाने के लिए नीम के तेल का उपयोग कर रहा है। हल्दी का उपयोग संक्रमण और घावों के इलाज के लिए किया जा रहा है। वहीं बारिश में होने वाले जल भराव से आने वाली परेशानियों से बचने के लिए चूने का छिड़काव किया जा रहा है। चिड़ियाघर प्रबंधन का मानना है कि ये तरीके जानवरों के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सत्र में दाखिले की प्रक्रिया लगातार जारी है। टेक्निया में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अनुसार ग्रेजुएशन प्रोग्राम BBA, BCA, BCom और BGMC और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम MBA और MCA के लिए दाखिले लिए जा रहे हैं। इच्छुक छात्र टेक्निया की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने NEET PG 2024 की नई डेटशीट का नोटिस जारी कर दिया है। NEET PG 2024 की परीक्षा 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी और 15 अगस्त को NEET PG 2024 की कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। SOP और प्रोटोकॉल की समीक्षा के बाद NEET PG की नई तारीखों का ऐलान किया गया है। इससे पहले 23 जून को होने वाली NEET PG की परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया था। 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक्स की शुरुआत हो रही है।
पेरिस ओलंपिक में 28 भारतीय एथलेटिक्स भाग ले रहे हैं। इसके लिए भारतीय एथलेटिक्स संघ ने टीम का ऐलान कर दिया है। भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। भारतीय एथलेटिक्स टीम में 17 पुरुष और 11 महिला खिलाड़ियों के नाम शामिल है, जिनमें से कई खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी खिलाड़ियों से ऑनलाइन मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़, साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें।